अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं राहुल हुड्डा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवदत्त भादलीकर, जो कि प्राचार्य हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना वायरस, जो कि जिसने पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है, 67 देशों में इस समय ये मौजूद है कोरोना वायरस। आप आयुर्वेद से संबंधित है, आयुर्वेद में आप MD हैं, PhD हैं, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं, कोरोना वायरस को क्या समझते हैं आप कोरोना वायरस से, और क्या है एक्चुअली में ये, लोगों को आप जरा बताइए। एक्चुअली कोरोना वायरस विषाणु है जी। कोरोना यानी मुकुट, सर पे जो लगा रहता है, उसका जो स्ट्रक्चर है जी, वो बड़ा साइज का है जी। बेसिकली इसका साइज है 400-500 माइक्रोन जी। ये हवा से फैलता नहीं है जी। ये मेटल की चीज़ पे, फैब्रिक के पे 9-12 घंटे रहता है जी। हाथों पे 10 मिनट रहता है जी। तो ये क्लोज कॉन्टेक्ट से ही इसका ट्रांसमिशन होता है, एक को दूसरे से होता है जी। पहली बात, इसको प्रिवेंशन जो आयुर्वेद ने सबसे पहला उद्दिष्ट बताया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ आदमी है उसका स्वास्थ्य रक्षण करना जी। इसी के उपाय आयुर्वेद में इसी को पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है जी, जी। तो इसमें पहला जो उपाय है, एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, स्वच्छता मेंटेन करना है। अपने हाथ अगर कम से कम 20 सेकंड कोई भी सोप वाटर से धोने से ये वायरस ख़त्म हो जाता है। आप मास्क पहनोगे तो उससे ये इसका जो साइज है वो एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि इसका एंट्री गेट है माउथ, फेस, नोज, यहाँ से ये एंटर करता है और फर्स्ट अटैक करता है टॉन्सिल पे। टॉन्सिल पे अटैक करने के बाद में वो फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों को सिकुड़ना चालू कर देता है और धीरे धीरे फिर ये शरीर में पूरी जगह फैलना चालू करता है। अगर इसका सिंपल सा अगर टेस्ट करना चाहो आप जी, जी। तो इसका नॉर्मली जो टेस्ट अभी जो चल रहा है फिलहाल, वो यहाँ के जो स्राव रहते हैं, सिक्रेशन रहते हैं थ्रोट के, वो सिक्रेशन का PCR करके टेस्ट किया जाता है, जो कि सब भारत में सभी जगह पे उपलब्ध नहीं है। एक सेल्फ टेस्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उससे इसका अपन थोड़ा अंदाज लगा सकते हैं कि ये हुआ है या नहीं, या होने के चांसेस है या नहीं। आप 20 सेकंड तक लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लेके 20 सेकंड उसको होल्ड कीजिए। अगर इसके बीच आपको खांसी आती है या सांस लगने लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। यानी आपको हुआ है ऐसा नहीं, लेकिन आप इसके बारे में एक सेल्फ टेस्ट करके इसके बारे में जान सकते हैं। इसमें प्रिवेंटिव मेजर जो बताई गई, जो अभी मैंने आपको बताया कि एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है और मास्क लगाना है, और जिसको सर्दी खांसी है उससे कम से कम 1-1.5 फुट की दूरी रखनी है, क्योंकि सर्दी खांसी में से जो ड्रॉपलेट इंस्पेक्शन होता है उसमें से ये स्प्रेड होता है। तो कोई भी है, कोई भी आप कहीं भी जाते हो तो हाथ सफा रखने चाहिए। इस आप कोई 60% अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइजर आते हैं उसका यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, इससे ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जी। अभी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इसका ये 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही जिंदा रहता है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर है तो ये मर जाता है जी। इसलिए सिंपल सा उसका टेक्निक है, आप दिन भर थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, सिंपल सी बात है, जो कि यहाँ से जो एंट्री गेट है वही वो उसको किल कर देगा। या गरम सूप लीजिए, गरम वेजिटेबल सूप लीजिए, गरम रसम लीजिए, या कोई भी गरम चीज़ लीजिए जिसका टेम्परेचर थोड़ा हायर साइड हो, जिसकी वजह से आपको ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म डेवलप करेगा। अगर उपायों की तरफ जाए तो इसको प्रिवेंटिव, आयुर्वेद ने प्रिवेंटिव मेजर जैसे इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर्स बहुत बताए गए हैं, ये लेना जरूरी रहते हैं। इसमें गरम ग्रीन टी आ गई, आप थोड़ी थोड़ी सिप बाय सिप पीजिए, वो आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी। अभी यहाँ कई सारे वायरस है लेकिन अपने को क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है। अभी ये कोरोना नया है, इसके बारे में अपनी बॉडी अभी फेस करने के लिए रेडी नहीं है, अपने पास वो एंटीबॉडीज है ही नहीं है। तो इसलिए अपन
कुछ इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर जैसे प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाले उपाय करने चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र किया हुआ है। उसमें सबसे पहला जिक्र है सौंठ, काली मिर्च और पिपली जी। ये आप 5 ग्राम लीजिए। जी। इसमें 10 पत्ते तुलसी के डालिए, 1 लीटर पानी में उबालिए, उसको आधा लीटर होने तक उबालिए, इसको छान के दिन भर में थोड़ा थोड़ा गुनगुना सिप बाय सिप पीजिए। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। जैसा कि आपने बताया कि अगर इसका आपको टेस्ट करना है तो टेस्ट करने के लिए आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, और अगर उसमें आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या मुझे होने की संभावना है, क्या मुझे ये हो सकता है, यही आप बताना चाह रहे हैं। नहीं, थोड़ा इसमें और स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। एक लंबी सांस लेके, डीप ब्रीथ लेके आप 20 सेकंड उसको होल्ड कीजिए। जी। होल्ड करने के बाद में अगर आपको 20 सेकंड के अंदर खांसी आती है या दम घुटने लगता है तो आपको शक की गुंजाइश हो सकती है। यह एक सेल्फ टेस्ट है, इसके बाद में आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको हो गया है। आप एक शक की गुंजाइश कर सकते हैं, गुंजाइश आप दूर कर सकते, क्योंकि ये पहले फेफड़ों पे असर करता है, पहले टॉन्सिल पे, टॉन्सिल से लेके वो फेफड़ों पे असर करता है, फिर आगे बढ़ता है। और जैसा कि अभी आपने सर बताया कि जो ये है 27 डिग्री से अगर टेम्परेचर ऊपर है तो ये ऑटोमेटिकली उसमें मर जाता है। तो अभी जैसे कि अभी सर्दियां चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे सर्दियां खत्म हो रही है, गर्मी आ रही है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो इस सिचुएशन में ये कहा जा सकता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका खतरा कम हो जाएगा। जैसा कि ये जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा। और भी उपाय, सिंपल सा उपाय बताता हूँ। अगर धूप निकलती है तो थोड़ी देर धूप में खड़ा रहिए, ये खत्म हो जाएगा जहाँ कुछ है वो। और उसके उपायों में और भी कई चीज़ बताइए, सिंपल से ये लहसुन की 8-10 कली लीजिए, 1 लीटर पानी में उबालिए, आधा लीटर होने तक रखिए और वो पानी छान के दिन भर पीजिए। वैसा कई सारी और चीज़ें बताइए, आप गिलोय ले सकते हैं 5 ग्राम सुबह शाम, आमलकी है, आंवला है, शतावरी है, अश्वगंधा है, लहसुन है, सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली, इनको और तुलसी है, इनको सबको आप 5 ग्राम दिन में 2 बार लीजिए गुनगुने पानी के साथ, तो आपका प्रतिकार क्षमता भी बढ़ेगा। और भी एक सिंपल उपाय बताता हूँ, 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए, उसमें 1 लेमन निचोड़ लीजिए, नींबू आप बोलते हैं उसको, और 1/2 चम्मच हल्दी डालिए। हल्दी एक बहुत ही अच्छा प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाला, रोग के प्रति रोकथाम करने वाला दवा है। तो ये गुनगुना आप दिन भर पीजिए, कोरोना वायरस के अफेक्ट होने का कोई भी चांस बाकी नहीं रहता है। अच्छा। तो भी आपको अगर बुखार, सर्दी, खांसी जैसे लक्षण चालू हो जाते हैं तो आप 5 ग्राम गिलोय सुबह शाम गर्म पानी के साथ, और अगस्त्य हरित की अवलेह करके आता है जो अगस्त ऋषि ने बताया है, ये अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी खतरा नहीं होगा। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा और हमारे दर्शक भी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक ये पता चल पाया कि कुछ खास लक्षण इस बीमारी के होने से पहले दिखाई देते हैं, कोई सिम्टम्स नजर आते हैं? नहीं, इसके लक्षण कोई भी फ्लू जैसे या निमोनिया जैसे लक्षण, कॉमन लक्षण जैसे होते हैं जी। लेकिन ये जैसा जैसा अंदर जाने लगता है जी। पहले अटैक करता है टॉन्सिल्स पे, क्योंकि एंट्री गेट है माउथ, नोज, आँख और कान, ये एंट्री गेट से वो अंदर जाता है बॉडी के अंदर। ये जाने के बाद में एक एक ऑर्गन को फेल करने लगता है, पहले तो फेफड़ों को फेल करता है, तब सांस लगने लगती है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, डेवलप होने का जो पीरियड है, व्याधि पूर्ण रूप से यानी बीमारी पूर्ण रूप से डेवलप होने का पीरियड है 2 से 10 दिन तक जी। और आगे फिर वो सांस लेना मुश्किल हो जाता है आदमी को। तो इसमें पहली चीज़ है आइसोलेशन करना, अगर कोई भी कुछ भी होने लगता है आपको, ये लक्षण चालू हो जाने लगते हैं, चिकित्सक के पास जाना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना, और हो सके तो फिर आगे चल के इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबंधात्मक उपाय साथ में करना चाहिए। आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहूँगा कि जैसा कि ये वायरस जो है कोरोना वायरस, ये चाइना से चलकर और आज 67 देशों में फैल चुका है पूरे विश्व भर में, तो सर सुनने में ये भी आया कि जहाँ से ये चला है चाइना की अगर बात करें तो वहाँ पे जो खान पान है या जिस जिन चीज़ों से ये इसके फैलने की जो वजह बताई गई है कि ये नॉन वेज या
कुछ ऐसा खाने से जिसकी वजह से ये पनपा है लोगों में, तो क्या आप क्या मानते हैं इस बारे में कि ऐसा कुछ है? लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ताकि लोग जागरूक हो सके कि वो क्या करें और क्या ना करें ताकि इस तरह की महामारी या बीमारी से बचा जा सके। सर बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसके बारे में बहुत बड़ी भ्रामकता लोगों में फैली हुई है। ये ना कि कोई नॉनवेज से ट्रांसमिट होता है, क्योंकि नॉनवेज तो आप पकाते हैं उसको जी। 27 डिग्री के ऊपर ही उसका टेम्परेचर रहता है तो जिंदा रहने का कोई सवाल नहीं रहता है। अच्छा वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें और एक ऐड करना चाहता हूँ कि खाना खाना है तो अभी गर्म खाना है, फुल्ली कुक मील वो लेना है, तो वो नॉनवेज से ट्रांसमिट होने का कोई रोल नहीं है। ये ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन जी, तो इसमें कोई ये गुंजाइश नहीं कि नॉनवेज खाने से ये होता है जी। तो दर्शकों आपने देखा कि आप भ्रम में ना रहें, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हमारे साथ एमडी आयुर्वेद पीएचडी आयुर्वेद हैं डॉक्टर देवदत्त भादलीकर, जिन्होंने अभी आपको बताया कि ये किसी भी तरीके से पका हुआ खाना यानी कि बॉइल्ड मील खाने से नहीं होता है, कच्चा खाने से बचे, कच्चा खाने से। और थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आइसक्रीम है या कोल्ड थिंग्स है इससे अवॉइड करिए, क्योंकि इसमें सर्वाइवल रेट बढ़ेगा उसका जी। वो 20 डिग्री से अगर नीचे जाते हैं तो वो साइलेंट हो जाएगा, एक्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्ट करने लगेगा, जैसा 26-27 होने लगा तो एक्ट करने लगेगा वो। तो इसलिए ठंडी चीज़ें फ्रिज की चीज़ें थोड़ी अवॉइड करिए। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सारी चीज़ें आपने बताई, क्या क्या सावधानी है जो इन लोगों को बरतनी चाहिए जिससे कि इससे होने वाले नुकसान से या इस बीमारी से या महामारी से लोग बच सकें, बचाव कर सकें, क्या क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए आयुर्वेद के नज़रिए से अगर आप देखते हैं तो किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए ये आप जरूर बताइए। पहला तो पर्सनल हाइजीन, सफाई रखना, कपड़े रोज के रोज गर्म पानी में धो के यूज़ करना, कोई घर में आने के बाद में हाथ 20 सेकंड्स कोई भी सोप वाटर से धोना, अगर नहीं है पॉसिबल तो 60% अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आ जाता है उसका इस्तेमाल करना, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट थोड़ा दूर रखना, कोई भी भीड़ वाले जगह पे कम जाना, जाना है तो मास्क लगा के ही जाना, जहाँ से उसका एंट्री गेट जो माउथ नोज से जाने वाला है उसको आप उससे आप बचाव कर सकते हैं। और जिनको सर्दी खांसी जैसा लक्षण है, फ्लू जैसे लक्षण है, इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण है, इनसे थोड़ा 1 से 1.5 फुट दूरी रखिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर देवदत्त भादलीकर जो कि प्राचार्य हैं महावीर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप आए हमारे कार्यक्रम में और आपने लोगों को जानकारी दी, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, क्योंकि ये एक ऐसा समय चल रहा है जिसमें लोग कोरोना से दहशत में है, कोरोना की वजह से डरे हुए हैं लोग कि ये क्या बीमारी है, कितनी बड़ी बीमारी है, लोगों को जागरूकता नहीं है इसके बारे में। तो आपने लोगों को बताया, इसके बारे में जानकारी दी और ये भी बताया कि क्या क्या सावधानी रखें ताकि आप इससे बच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।